दोस्तों आदि पुरुष को लेकर आजकल बैन करने की बात चल रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके जो VFX है, इसके पैट्स और डायलॉग्स हैं बहुत ही गलत हैं। तो और इसकी तुलना जो हमारी रामायण है उसके साथ की जा रही है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था कि उस वाली जो रामायण है उसके अंदर भी बहुत सारे विरोध किए गए थे, 2 साल तक उसके टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया गया था। दोस्तों मैं यहाँ पर पहले वाली रामायण की निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आज जो आदिपुरुष मूवी रिलीज हुई है जो कि उस रामायण से बिल्कुल ही अलग है, जिसमें रामायण जैसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है, तो उस टाइम पर लोग इतने जागरूक थे हमारी रामायण को लेकर, तो आज जब तुमने सब कुछ गलत ही दिखाया है रामायण के अंदर, तो उसको बैन करने के लिए जो लोगों ने विरोध किया है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि उस रामायण का जो बैन करने का किस्सा था वो क्या। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उस रामायण के जो लक्ष्मण जी थे सुनील लहरी जी, उन्होंने बताया तो उस टाइम पर भी इस शो को टेलीकास्ट करने के लिए 2 साल तक के लिए बैन लगा दिया गया था और जो मेकर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों आपको पता है कि उस टाइम पर सभी लोगों की पहली नजरें इस शो पर लगी हुई थी और उस टाइम पर INB मिनिस्ट्री को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इस सबका ये कारण था कि सीता माता ने इस शो में कर्ट स्लीव्स का ब्लाउज पहना था, जिस पर मिनिस्ट्री ने आपत्ति जताई थी और दूरदर्शन वालों ने भी इसको बैन कर दिया गया था। इन सब दिक्कतों का सामना करने के बाद अंत में जो इस शो के डायरेक्टर थे रामानंद सागर जी, उन्होंने सीता माता की पूरी कॉस्ट्यूम को दोबारा से चेंज किया। उन्होंने ब्लाउज को साड़ी के साथ मैच करते हुए एक नया ब्लाउज डिजाइन करवाया, फिर उसके बाद इस शो को टेलीकास्ट किया गया। इस सब को करने के लिए 2 साल तक मेकर्स को जो है पापड़ बेलने पड़े थे। तो दोस्तों आदिपुरुष जैसी मूवी बनाना हमारे लिए क्या सही है? हमारे बच्चों को वो आदिपुरुष मूवी हमें दिखानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ ही एकदम गलत दिखाया गया है। हमारे बच्चे अगर उसको देखेंगे तो उनको क्या सीखने को मिलेगा? हमारी पहली वाली रामायण से अच्छा सीखने को मिलेगा या नई वाली आदिपुरुष से? तो दोस्तों हमारी पहली वाली रामायण के भी और भी रोचक किस्से हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टेलीकास्ट किया गया था। दोस्तों उस टाइम का रामायण सीरियल एक पहला इकलौता ऐसा सीरियल था जिसको 45 मिनट्स के लिए टेलीकास्ट किया जाता था, जबकि बाकी के सारे सीरियल 30 मिनट्स के ही आते थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि रामानंद सागर जी पहले फिल्मों में काम किया करते थे और उनको इस शो को बनाने के लिए सारे प्रोड्यूसर ने स्पॉन्सरशिप के लिए मना कर दिया था, तो रामानंद सागर जी ने खुद अपने आप से उसको स्पॉन्सर किया और आज ये जो शो है बहुत ही ज्यादा सुपरहिट हो चुका है। इस सीरियल को माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में सन 2003 में लिम्का बुक ऑफ सीरीज में दर्ज किया गया था और ये किस्सा तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। रामायण करने के बाद अरुण गोविल जी जो कि राम का किरदार निभाते थे रामायण में, उनको एक बार सिगरेट पीते हुए एक आदमी ने देख लिया और उन्होंने कहा कि आपको तो हम भगवान की तरह पूछते हैं और आप यहाँ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो उस दिन से आज तक जो हमारे अरुण गोविल जी हैं वो उन्होंने नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी असली रामायण कौन सी है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है और भगवान राम पर लिखे गए सबसे ज्यादा ग्रंथ वाल्मीकि जी ने राम काल में ही लिख दिए थे, इसलिए इस ग्रंथ को प्रमाणित ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।